जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि गणेश भगवान को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुराणों के अंदर बहुत सारी कथाएं हैं, उनके अनुसार एक कथा हम श्रवण करेंगे। एक राक्षस था, उनका नाम था अनलासुर। बहुत पराक्रमी था, ताकत वाला था, शक्ति वाला था, तो सभी ऋषि मुनियों को त्रास देने लगा। जब उनको भूख लगती थी तो वह राक्षस सभी ऋषि मुनियों को निगल जाता था। उनका सामना देवता भी नहीं कर सकते। अब ऋषि मुनि और देवताओं ने विचार किया, इनका क्या उपाय किया जाए, न उनके साथ हम लड़ सकते हैं और वह राक्षस सभी को निगल ही जा रहा है, सभी ऋषि मुनियों को, सभी को। तो सभी मिलकर, देवता और ऋषि मुनि सब मिलकर पार्वती नंदन गणेश भगवान के पास गए। गणेश भगवान को प्रार्थना की कि आप हमें बचाइए, ये राक्षस सबको निगल जा रहा है। उनका नाम था अनलासुर। देवताओं और ऋषि मुनियों की बात सुनकर गणेश जी को क्रोध आया, वह राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए गए। गणेश भगवान अनलासुर राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। राक्षस भी पराक्रमी था, गणपति भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। तो गणेश भगवान को क्रोध आया तो पूरे राक्षस को ही निगल गए, अनलासुर को निगल गए। अब गणेश भगवान के पेट के अंदर जलन होने लगी, क्या उपाय किया जाए। सभी देवताओं ने भी प्रयत्न किया लेकिन वो अग्नि शांत नहीं हो रही थी, जलन शांत नहीं हो रही थी। तब वहाँ कश्यप ऋषि आए। कश्यप ऋषि ने दुर्वा गणपति भगवान को दी और गणपति भगवान ने वह दुर्वा खाई तो उसके कारण उसके पेट के अंदर की जलन शांत हुई। तो दुर्वा को एक औषधि रूप में भी गणपति भगवान को चढ़ाया जाता है। जब कश्यप ऋषि ने गणपति भगवान को दुर्वा दी, गणपति भगवान ने दुर्वा ग्रहण की, तो तब से गणपति भगवान के ऊपर दुर्वा चढ़ाई जाती है। कोई भी व्यक्ति हो गणपति भगवान की आराधना कर सकता है। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रान, मोक्षार्थे लभते गणि। अगर विद्यार्थी है तो विद्या पाने के लिए भी गणेश भगवान की आराधना कर सकता है, दुर्वा चढ़ा सकता है। जिसको धन की प्राप्ति करनी है वह भी गणपति भगवान की आराधना कर सकता है। जिनको पुत्र की अभिलाषा है वह भी गणपति भगवान की आराधना कर सकते हैं, और जिनको मोक्ष की आशा है वह भी गणपति भगवान की आराधना और पूजन कर सकता है। इसके कारण गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाई जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।